नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए संसद भवन के बारे में, यानी हमारे न्यू पार्लियामेंट के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन को राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं, और हमारा जो नया संसद भवन है वो गुजरात की HCP कंपनी ने तैयार किया है। दोस्तों, नए भवन और पुराने भवन में कई मामलों में बहुत अलग है दोनों भवन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नए संसद भवन की 10 विशेषताओं के बारे में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो द डायमंड टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली विशेषता है वो है बैठने की क्षमता में वृद्धि है। नए संसद भवन लोकसभा में 888 संसद सदस्यों यानी सांसदों को बैठने की क्षमता है, जो वर्तमान लोकसभा की क्षमता का 3 गुना है। इसी तरह नई राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान होगा, जो कि भविष्य के सांसदों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को पूरा करेगा। दूसरी जो विशेषता है वो है सेंट्रल हॉल का न होना। पुराने संसद भवन के विपरीत नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसके बजाय नए संसद भवन में लोकसभा हॉल को संयुक्त सत्रों में आसानी से समायोजित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यह संयुक्त सत्रों के दौरान अतिरिक्त कुर्सियों को स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए 1272 लोगों को बैठने की क्षमता में सक्षम होगा। दोस्तों, तीसरी जो विशेषता है वो है कि यह भूकंप रोधी निर्माण है। नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्धारित भूकंप जोन 5 दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से पर्याप्त भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। नए भवन को सभी मॉडर्न आइडियो विजुअल टेक्नोलॉजी और डेटा नेटवर्क प्रणालियों से लेस किया गया है। चौथी जो विशेषता है वो ये है कि मोर और कमल के फूल की थीम। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग थीम प्रदर्शित करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को शामिल किया जाएगा, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल को उनकी संबंधित रचनाओं में शामिल किया गया है। पांचवी जो विशेषता है वो ये है कि आधुनिक तकनीकी सुविधाएं। सदन की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद के सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। ये विशेषता स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश को उपहार इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला संसद भवन बनाती है, और ये हमारे अमृतकाल में दिया गया है। छठवीं जो विशेषता है वो ये कि पर्यावरण हितैषी पहले है। नए संसद भवन में स्थिरता और पर्यावरण मित्रता को प्राथमिकता दी गई है। यह 30% बिजली की खपत को बचाने के लिए हरित निर्माण सामग्री का उपयोग करेगा और उपकरणों को शामिल करेगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन और सौर उत्पादन प्रणाली लागू की गई है। अगली जो विशेषता है वो है कि बढ़ी हुई समिति कक्ष सुविधाएं। नए संसद भवन में परिष्कृत आइडियो विजुअल सिस्टम से सुसज्जित समिति कक्षों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। इस अपग्रेड से संसदीय समितियों के सुचारू कामकाज में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली जो हमारी विशेषता है वो है कि मीडिया सुविधाएं। नए संसद भवन में मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मीडिया कर्मियों के लिए कुल 530 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस है। नौवीं जो विशेषता है वो है जनता के अनुकूल डिजाइन। नए संसद भवन का उद्देश्य जनता के लिए अधिक सुलभ होना है। बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश के साथ इसे सार्वजनिक संसद भवन बनाने की तैयारी चल रही है। विशेष प्रवेश द्वार आम जनता को सार्वजनिक गैलरी और केंद्रीय संवैधानिक गैलरी तक पहुंचाने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त नए भवन में अग्नि सुरक्षा सुविधाओं में सुधार हुआ। दसवीं जो विशेषता है वास्तुकला डिजाइन और निर्माण। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण के लिए कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, जो दिल्ली के केंद्र में एक आधुनिक वास्तुकला का चमत्कार है। तो दोस्तों, ये था हमारे नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में अंतर। नया संसद भवन बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी विशेषताओं को लेके आया है, और इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको संसद भवन, जो नया पार्लियामेंट बना है वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।